ईरान में एक ऐसी वारदात हुई जिसको सुनकर हर इंसान अपने दांतों तले उंगली दबा रहा है। दरअसल वहां लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए ऐसी तरकीब का इस्तेमाल किया जो बेहद डरावना और भयावह है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को बंद करने के उद्देश्य से कुछ लोग पवित्र शहर क्यूम में छात्राओं को जहर दे रहे थे। दरअसल नवंबर के अंत से स्कूली छात्राओं के बीच श्वसन विषाक्तता के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। कई छात्राओं को तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। रविवार को उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि जहर जानबूझकर दिया गया था, हालांकि उन्होंने विस्तृत में इसकी जानकारी नहीं दी है। ERNA ने बताया कि 14 फरवरी को बीमार छात्रों के माता पिता अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए शहर के बाहर इकट्ठा हुए थे, जिसके अगले दिन सरकार के प्रवक्ता अली बहादुरी जहरोमी ने कहा कि खुफिया और शिक्षा मंत्रालय विषाक्तता के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते अभियोजक जनरल मोहम्मद जाफर मोंटोजेरी ने घटनाओं की न्यायिक जाँच का आदेश भी दिया था।